साथियों, नवरात्र के इस पावन पर्व पर हमारे ग्राम ढप्पा में माँ भगवती जय माँ खेड़ापति के प्रांगण में प्रति वर्षानुसार इस वर्ष भी हमारा ये विशाल राम सत्ता भजन प्रतियोगिता 2024 का आज दिन 15/4/2024 से 16/4/2024 तक 24 घंटे का ये अखंड रामसत्ता भजन प्रतियोगिता का यहाँ से शुभारंभ होने जा रहा है, जिसमें प्रथम दौर में पहले क्रम पर है श्री हरि भजन मंडल रंढाल जिला नर्मदापुरम, दूसरे क्रम पर है श्री वैष्णो भजन मंडल सिंगौड़ी जिला नर्मदापुरम, और तीसरे क्रम पर है श्री ठाकुर भजन मंडल ढाबा कला इटारसी, और चौथे क्रम पर है श्री नवज्योति भजन मंडल धपाड़ा जिला बैतूल। तो मैं ये चाहूंगा कि हमारे जितने भी वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, आप सभी से हम पुनः निवेदन करते हैं कि कार्यक्रम के शुभारंभ करने हेतु मंच पर सभी सम्मान पधारे और मां भगवती के छाया चित्र पर दीप प्रज्वलित कर माल्यार्पण कर विधिवत पूजन अर्चन कर और कार्यक्रम का शुभारंभ कराएं। और मंचासीन हमारा जो सम्मान्य मंडल है, सभी मंडल के सदस्यों का तिलक वंदन एवं पुष्पमाला से स्वागत कर विधिवत कार्यक्रम को संपन्न कराने की अति कृपा करें। सभी वरिष्ठ पदाधिकारी आदर्श आयोजन समिति ग्राम ढप्पा के आप सभी से हम निवेदन करते हैं, और आगामी मंडल क्रम से अपना क्रम ध्यान रखें। और प्रथम दौर में समय 30 मिनट है और प्रसंग अलग ही नाम और पहचान है। तो इन भाई साहब के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि सुहाना सफर किसी किसी को मिलता है, सुहाना सफर किसी किसी को मिलता है, ताली में असर किसी किसी में दिखता है, आप चलते हैं तो कारवा चल पड़ता है, रहनुमाई का हुनर साहब किसी किसी को मिलता है, रहनुमाई का हुनर साहब किसी किसी को मिलता है। एक बार हमारे मोहब्बत पटेल भाई साहब के लिए और पूरी यूनिटी के लिए जोरदार तालियां बजा दें। ठीक है साहब, चेक बैक कर लें आप लोग। हेलो।